अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को आवाज आ रही है? अलीजा मुझे बताना कि आवाज क्लियर है। ठीक है, अच्छा जी। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के हमने दो मेजरमेंट मेथड कर लिए थे कल की क्लास में, उसमें किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? आप लोगों को एक क्वेश्चन भी दिया था मैंने करने को पास पेपर का, वो किसी ने किया है? कर लिया? क्या आंसर आ रहा है उसका? माइनस थ्री आ रहा है ना वैसे, अगर आप राउंड करो सबका माइनस थ्री आ रहा है। ठीक है मुजम्मिल अजीज, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा स्क्रीन शो नहीं हो रही, मैं शेयर कर देती हूँ। ठीक है, अच्छा आज जिस मेथड से हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड करेंगे उस मेथड को हम कहते हैं ज्योमेट्रिक मेथड। थोड़ी सी मेरी आवाज निकलने में प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा ज्योमेट्रिक मेथड नॉर्मली पेपर में नहीं पूछा जाता, लेकिन ये एमसीक्यूज में आपके पास आ सकता है। ज्योमेट्रिक मेथड का जी जी हाँ इधर ही आ जाओ, मेरी इसके बाद कोई क्लास नहीं है। ठीक है ओके। ज्योमेट्रिक मेथड का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है। इसका फॉर्मूला हमारे पास आता है लोअर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व। ये भी बहुत आसान मेथड है। अच्छा इस ज्योमेट्रिक मेथड में हम करते क्या हैं? ये ज्योमेट्रिक मेथड ये कहता है कि अगर आपको डिमांड करके किसी पर्टिकुलर पॉइंट की इलास्टिसिटी फाइंड करनी हो तो आप कैसे इलास्टिसिटी फाइंड करेंगे? आप ज्योमेट्रिक मेथड से वो इलास्टिसिटी फाइंड कर रहे होते हैं। तो डिमांड कर्व पे जितने भी हमारे पास पॉइंट्स आते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये डिमांड कर्व बनाया, इसको समझ लीजिएगा पहले, बाद में नोट करिएगा। ये पॉइंट मेथड की है, आप कह लें तरह से एक्सटेंशन है। अच्छा अब इसमें जो हम डिमांड कर्व बनाते हैं उसको हम वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एक्सिस दोनों से टच करेंगे इस तरह। पहला काम आपने क्या करना है कि आपने इस डिमांड कर्व को फोर सेगमेंट्स में डिवाइड करना है। अब ये फोर सेगमेंट्स में कैसे डिवाइड करना है? सबसे पहले तो मैंने एक मिडल पॉइंट ले लिया, ठीक है, और इन दोनों पॉइंट्स का मैंने हाफ ले लिया और इन दोनों पॉइंट्स का मैंने हाफ ले लिया। अब मेरे पास कितने सेगमेंट्स आ गए? 1, 2, 3, 4, 4 सेगमेंट्स आ गए मेरे पास। अब इन सारे पॉइंट्स को मैं नाम दे देती हूं ए बी सी डी करके। अच्छा अब फॉर एग्जांपल कि मुझे पॉइंट ए की इलास्टिसिटी कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना। अब पॉइंट ए की इलास्टिसिटी में कैसे कैलकुलेट करूंगी? मेरे पास फॉर्मूला है लोअर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व। अगर मैं आपसे पूछूं कि पॉइंट ए पे लोअर सेगमेंट कितने हैं, कहां से लेकर कहां तक है, तो आप यही बोलेंगे ना कि ए से लेकर ई तक सारे लोअर सेगमेंट ही है, ए से लेकर ई तक लोअर सेगमेंट है ना। अच्छा क्या पॉइंट ए पे कोई अपर सेगमेंट है? पॉइंट ए से कोई अपर सेगमेंट है? कोई सेगमेंट नहीं है, इट मीन्स डिवाइडेड बाय जीरो। A to E तक हमारे पास कितने सेगमेंट्स आ रहे हैं? 4 सेगमेंट्स आ रहे हैं। तो 4 डिवाइडेड बाय 0 क्या आ जाएगा आपके पास आंसर?
इन्फिनिटी आ जाएगा. इट मीन्स के पॉइंट ए पर आपकी इलास्टिसिटी क्या है? इन्फिनिटी है. इसी तरह पॉइंट बी की हम इलास्टिसिटी फाइंड करेंगे किस तरह? पॉइंट बी में हम देखेंगे कि लोअर सेगमेंट आपका कहां से लेकर कहां तक है. पॉइंट बी का लोअर सेगमेंट बी से ई तक और अपर सेगमेंट बी से ए तक. बी से ई तक हमारे पास कितने लोअर सेगमेंट आ रहे हैं और अपर सेगमेंट तो आपके पास 3 आएगा विच इज ग्रेटर देन 1. तो इट मीन्स कि हमारी डिमांड क्या है यहाँ पे? इलास्टिक है. इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 आ रही है. इसी तरह हम सारे पॉइंट्स की इलास्टिसिटी डिफाइन करेंगे. इसमें पॉइंट सी पर हमारे पास लोअर सेगमेंट आ जाता है फ्रॉम सी टू ई, अपर सेगमेंट आ जाता है सी टू ए. लोअर सेगमेंट भी हमारे पास 2 है, अपर सेगमेंट भी 2 है. इट मीन्स क्या आ जाएगी इलास्टिसिटी? इक्वल टू 1. यूनिटरी इलास्टिक. आसान है, बिल्कुल रिपीट कर दूंगी. पॉइंट ए पे हम देख रहे हैं कि पॉइंट ए पे लोअर सेगमेंट कौन कौन सा है, अपर सेगमेंट कौन सा है. तो पॉइंट ए से ऊपर आपका कोई सेगमेंट है क्या? कोई ऊपर सेगमेंट नहीं है. तो अपर सेगमेंट तो क्या है आपके? 0 है ना. ऐसा क्वेश्चन पूछा किसने? अपर सेगमेंट तो कोई नहीं है ना आपका, ए से ऊपर कोई नहीं है. बट लोअर सेगमेंट आपके पास कितने आ रहे हैं? ए टू ही सारे लोअर सेगमेंट ही है. 1, 2, 3, 4 सेगमेंट आ रहे हैं. तो 4/0 इन्फिनिटी आ जाएगा. अच्छा, ये मैं यहाँ पे फाइंड कर रही हूँ पॉइंट डी और ई का. अब आप लोग नोट कर सकते हैं, समझ आ गया ना आप लोगों को कॉन्सेप्ट. पॉइंट डी पर इसी तरह डी टू ई लोअर सेगमेंट है, डी टू ए अपर सेगमेंट है. तो ये आपके पास लेस देन 1 आंसर आ जाएगा. इट मीन्स कि यहाँ पे आपकी इन इलास्टिक डिमांड है. मैं कर देती हूँ जूम. पॉइंट ई पे आपके पास क्या इलास्टिसिटी आनी चाहिए? 0 आनी चाहिए. क्या लोअर सेगमेंट हमारे पास है कोई पॉइंट ई पे? कोई भी नहीं है. और अपर सेगमेंट आपके पास 4 है. क्या कर दूंगी, जूम आउट. तो ये आपके पास टॉपिक एमसीक्यूज में कैसे आ सकता है? फॉर एग्जाम्पल वो आपसे बोल रहा है कि इफ लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व इज ग्रेटर देन अपर सेगमेंट, तो डिमांड हमारी क्या होगी, इलास्टिक या फिर इनइलास्टिक? अगर लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व जो है वो ग्रेटर देन है अपर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व, तो आपकी जो इलास्टिसिटी होगी वो क्या होगी, इनइलास्टिक या इलास्टिक? डिमांड क्या होगी? इलास्टिक होगी. ठीक है, इसी तरह अपर सेगमेंट अगर ग्रेटर देन होगा लोअर सेगमेंट के तो डिमांड इनइलास्टिक होगी. तो इस तरह आपके पास एमसीक्यूज में आ सकता है, नॉर्मल इसका क्वेश्चन नहीं निकलता. अच्छा, अगर आप नोट्स में देखेंगे तो 2 ग्राफ्स आपके पास बने हुए हैं. एक तो लिखा हुआ है कि अगर लीनियर डिमांड कर्व है तो आप इस तरह इलास्टिसिटी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अगर नॉन लीनियर डिमांड कर्व है तो उसपे आप ये ज्योमेट्रिक मेथड के थ्रू इलास्टिसिटी कैसे फाइंड कर सकते हैं? पहले मुझे बताओ, ये सबने कॉपी कर लिया? नहीं करा?
जी डन। अच्छा अब ये देख लेते हैं कि अगर डिमांड कर्व लीनियर था तो आपने इस तरह इलास्टिसिटी फाइंड कर ली, बट अगर हमारे पास नॉन लीनियर डिमांड कर्व है, फॉर एग्जांपल आपके पास डिमांड कर्व कुछ इस तरह बना हुआ है कर्व शेप में, बिल्कुल इस तरह कुछ आपके पास डिमांड कर्व बना हुआ है, ठीक है, नेगेटिवली स्लोप भी है बट कर्व शेप है इसका। अच्छा अगर इस तरह हमारे पास डिमांड कर्व आ रहा है तो इसकी इलास्टिसिटी हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? इसके लिए एक मेथड सिंपल, आप क्या करेंगे कि जिस पॉइंट की भी आपको इलास्टिसिटी फाइंड करनी है उस पॉइंट से टेंजेंट करती हुई आपने एक स्ट्रेट लाइन बना देनी है। फॉर एग्जाम्पल कि मुझे इस पॉइंट की इलास्टिसिटी फाइंड करनी है तो मैं इस पॉइंट से टेंजेंट होती हुई एक लाइन ड्रॉ कर दूंगी। अच्छा ये डॉटेड लाइन पहले मैं इस वजह से बना रही हूँ ताकि एक अंदाजा हो जाए कि लाइन, जब भी आप कोई ऐसा ग्राफ बना रहे हो जिसमें आपको लगता है कि लाइन जो है वो शायद प्रॉपर ना बने तो पहले डॉटेड लाइन बनाया करें। अच्छा अब इस डॉटेड लाइन से अगर मैं देखूं तो क्या आपको लोअर सेगमेंट ग्रेटर देन अपर सेगमेंट दिख रहा है या अपर सेगमेंट ग्रेटर देन है या दोनों इक्वल है? दोनों तकरीबन इक्वल दिख रहे हैं मुझे, तो इट मींस क्या मैं ये कंक्लूड कर सकती हूँ कि यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है? बिल्कुल। तो आप जब इस तरह टेंजेंट करते हैं, यानी मैं अगर फॉर एग्जांपल यहां से टेंजेंट करती हुई एक लाइन बनाऊंगी तो आपको क्लियरली दिखेगा कि लोअर सेगमेंट ग्रेटर देन होगा अपर सेगमेंट के। अगर मैं यहां से टेंजेंट करती हुई एक लाइन बनाऊं, अब क्योंकि मैंने ग्राफ इस तरह बनाया है कि इसको टेंजेंट करना मेरे लिए मुश्किल होगा, तो यहाँ पे ये पूरा मेरा क्या है लोअर सेगमेंट और सिर्फ ये मेरा अपर सेगमेंट है। तो क्लियरली दिख रहा है आपको कि लोअर सेगमेंट ग्रेटर देन अपर सेगमेंट है, इट मींस आपकी डिमांड क्या होगी? इलास्टिक होगी, ठीक है ना। तो वैसे तो इसके इस तरह के ग्राफ आने के तो बिल्कुल आप कह लो कि 1% भी चांस नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इस तरह का कर्व शेप होता है नॉन लिनियर का तो हम उसमें इलास्टिसिटी ऐसे फाइंड करते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन है आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, जिस तरह हमने जितने भी क्वेश्चन अभी तक प्रैक्टिस करे थे वो किस तरह आए थे कि वो प्राइस डाटा दे देगा और डिमांड का डाटा दे देगा और आपने पुट करके डायरेक्ट वैल्यूज निकालनी है। बट क्वेश्चन बैंक का एक एमसीक्यूज है, मैं वो सेंड कर रही हूँ आप लोगों को ग्रुप में। ग्रुप में आप लोग सब हैं? मैं वो आप लोगों को सेंड कर रही हूँ, उसे पढ़िएगा। उसमें थोड़ा सा डिफरेंट तरह से आपके पास ये क्वेश्चन आया हुआ, नॉर्मली ये भी आपका एमसीक्यूज में ही इस तरह का क्वेश्चन आता है। आप लोगों को रिसीव हो गया? अच्छा इसे जरा रीड करिएगा। और इसमें मुझे बताइएगा कि डिफरेंस क्या है उस जो क्वेश्चन हमने करे और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? आपको क्या फाइंड करना है कि फाइनल डिमांड में पे क्या इंपैक्ट आएगा। पहले उसने इनिशियल प्राइस और डिमांड आपको बता दी। इनिशियल प्राइस थी आपकी 1, जिस पे करंटली जो है वो बिजनेस सेल कर रहा था 10,000 यूनिट। वो बोल रहे हैं कि अगर वो डिमांड प्राइस को डिक्रीज करके 0.9 कर देती है तो उसकी डिमांड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। उसे पहले से पता है प्रीवियस एक्सपीरियंस से कि उसकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, -1.5, ठीक है ना। अच्छा अब इस क्वेश्चन में आपको इलास्टिसिटी गिवन है, वो बोल रहा है कि फाइनल डिमांड आपकी क्या होगी, यानी आपने Q2 फाइंड करना है, ठीक है ना, आपने Q2 फाइंड करना है। तो ये नॉर्मली आपके पास एमसीक्यूज में इस तरह का क्वेश्चन आता है और इसको करने का सबसे आसान तरीका मैं बताती हूँ कि क्या है। ये आपका 24th एमसीक्यू है क्वेश्चन बैंक का। अच्छा क्वेश्चन बैंक में जो जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो मैं आप लोगों को खुद से करवा दूंगी। अब फॉर्मूला क्या है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस।
अच्छा एक बात सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि अगर हम आर्क मेथड इसमें यूज करते हैं परसेंटेज चेंज निकालने के लिए, तो हमारे पास एक्चुअल क्वांटिटी निकलेगी या एवरेज निकलेगी? एवरेज निकलती है ना आर्क में, तो जबकि हमें एक्चुअल क्वांटिटी की फिगर चाहिए, इट मींस कि इस वाले क्वेश्चन में हम आर्क मेथड नहीं अप्लाई करेंगे, ठीक है ना? हम पॉइंट मेथड से करेंगे, सिर्फ इस मेथड में। इस तरह का क्वेश्चन अगर आपके पास आएगा जिसमें इलास्टिसिटी गिवन होगी। अच्छा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेरे पास कितनी है? -1.5, ये उसने बता दी है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अभी मुझे नहीं पता, ठीक है, क्योंकि मुझे सिर्फ इनिशियल वैल्यू पता है। लेकिन क्या मैं परसेंटेज चेंज इन प्राइस फाइंड कर सकती हूँ? इजिली फाइंड कर सकते हैं हम, जरा मुझे बताओ परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और साइन के साथ बताना। परसेंटेज चेंज निकाले ना आप, 0.9 -1 / 1 multiply by 100, जिस तरह परसेंटेज चेंज ऐसे निकालते हैं ना हम, न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय ओल्ड वैल्यू multiply by 100। जी मुजम्मिल अजीज, परसेंटेज चेंज इन प्राइस बताएं जरा मुझे आप। -10 आ रहा है, -10%, सब फाइंड करो, सबका यही आ रहा है। क्या हुआ, कोई कंफ्यूजन है क्या? multiply by 100 करोगे तो 10% आएगा ना, परसेंटेज में अगर निकालेंगे तो 10% आ रहा है ना, सबका 10% आ रहा है इसमें निकालने में, या किसी को कोई कंफ्यूजन है? किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन के लिए 10% कैसे आए? तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, -10%। अच्छा अब मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसे, -1.5 multiply by -10%, माइनस से माइनस साइन कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया हमारे पास, 15% आ गया। अब ये 15% हमें एक्चुअल क्वांटिटी तो नहीं बता रहा, ये बोल रहा है कि डिमांड में चेंज कितना आया आपका, 15% से आया। अब ये प्लस में लिखा हुआ है 15, इट मींस 15% डिमांड क्या हो गई आपकी, इंक्रीज हो गई है। इट मींस मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी कि क्वांटिटी डिमांड हैज राइजन बाय 15%। पहले कितनी थी आपकी डिमांड, 10,000 थी, 15% से इंक्रीज हुई है, 10,000 का 15% कितना बन रहा है, 10,000 का पहले 15% बताएं मुझे। एक हजार पांच सौ, इट मीन्स के आपकी फाइनल डिमांड कितनी हो जाएगी, 1,000 प्रीवियस जितनी थी और 1,500 से इंक्रीज हुई है, इट मीन्स फाइनल डिमांड आपकी हो गई 11,500। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। देखिए अगर इसी इस क्वेश्चन में किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो डायरेक्ट मुझसे पूछो, एक दूसरे से मत पूछो। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। क्लियर है, पक्की बात है? तो एक थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था, इस वजह से मैंने ये भी अलग से करवा दिया, इस तरह का भी आपके पास आ सकता है। कोशिश करो कि ये पिक्चर्स वगैरह मत लिया करो, डायरेक्ट नोट किया करो, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम थोड़ी है कि फिर आप लोग घर जाते हो उसको नोट करोगे, जो अभी कर रहे हो वो ज्यादा बेहतर है। मैं टाइम तो दे रही हूँ आप लोगों को। Thank you.
आपने कॉपी कर लिया जिस रो में बैठे हैं? अच्छा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम कौन सा करेंगे? फैक्टर्स इफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी वो कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी भी कमोडिटी की डिमांड को इलास्टिक करते हैं या इनइलास्टिक करते हैं? ये सबने नोट कर लिया? ये हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का लास्ट कॉन्सेप्ट है। मुजम्मिल अजीज जी, बिल्कुल, मैंने कल ही इस बारे में बात कर ली है कि अब आप लोगों की क्लास की ड्यूरेशन भर जाएगी क्योंकि रेगुलर बैच आपका एंड हो गया है। और दूसरा ये कि नोट्स में आर इलास्टिसिटी ऑफ, बिल्कुल ये आप लोग काइंडली करेक्ट कर लीजिएगा, आपने अच्छा मुझे याद दिला दिया। मुझे जरा पेज नंबर बताना, चैप्टर 3 जो स्टार्टिंग का जो पेज नंबर है उसका। नहीं 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 4 घंटा नहीं पड़ेगी, 2.5 या मैक्सिमम 3 घंटे, जिसमें मैक्सिमम 3 घंटे का जो आपकी क्लास होगी उसमें मैं बीच में 10 मिनट का आप लोगों को तो लाजमी ब्रेक दे दूंगी। जाहिर है मुझे भी पता है इकोनॉमिक्स कंटिन्यूस पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे जिनके पास भी नोट्स हैं वो प्लीज एक चीज करेक्ट कर लीजिएगा। अच्छा, कल पहली बात तो ये कि कल एक स्टूडेंट का आया था कि मिस ये फॉर्मूला तो आपने करवाया ही नहीं है, ये कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है? तो इसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, ये वही फॉर्मूला है जो हमने करा है, ठीक है। और दूसरी बात ये बोलनी थी मुझे कि यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, ठीक है, टाइपिंग में, कि आर्क मेथड का जो फॉर्मूला लिखा हुआ है उसमें डिवाइड किया हुआ है ओरिजिनल वैल्यू से, जबकि किससे डिवाइड करना होता है हमें? एवरेज से। तो इसको प्लीज काट के जो है वो एवरेज कर दीजिएगा। चैप्टर 2 और चैप्टर 3 का टेस्ट कब है? अच्छा, अगर मैं एक अंदाजा बताऊं तो आज की क्लास के बाद मैक्सिमम आपके सिर्फ 2 क्लासेस रहती हैं, ठीक है। तो बस अब वो 2, अगर कल फ्राइडे को क्लास होगी, अगर हुई फ्राइडे को क्लास मुझे नहीं पता, तो संडे को टेस्ट होगा, ठीक है। और अगर फ्राइडे को क्लास नहीं होती तो फिर मंडे को टेस्ट होगा। तो बस जैसे ही चैप्टर 3 एंड होगा नेक्स्ट डे आपका क्विज है, तो आप लोग बिल्कुल तैयार रहें इस बात के लिए, क्योंकि अगर मैंने एक एक दिन भी डिले करना स्टार्ट कर दिया ना तो एंड में सारे क्विज कभी कंप्लीट नहीं होंगे जी। हाँ, पैटर्न क्या होगा? अच्छा, एक दो बातें मैं बता देती हूँ क्विज के हवाले से। पहली बात तो ये कि एमसीक्यूज के लिए ना मैं अक्सर गूगल फॉर्म भी आप लोगों को सेंड कर दूंगी, ठीक है, वो आप लोग फॉरन उसी वक्त अटेम्प करेंगे आपके पास आंसर्स आ जाएंगे, सही है। तो कुछ चैप्टर्स के मैं गूगल फॉर्म भी सेंड कर देती हूँ ताकि स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस हो जाए, बाकी नोट्स के आप में जो भी एमसीक्यूज हैं वो आपकी प्रैक्टिस के लिए इनफ है। नॉर्मली मेरी कोशिश ये होती है कि क्विज में आपके जो है वो वैसे क्वेश्चन आए, एमसीक्यूज कभी मैं ऐड कर देती हूँ, मेरी मर्जी के ऊपर होता है। नॉर्मली आपके पास क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन याद रखियेगा कोई मैं इधर उधर से नहीं बना रही होंगी, क्योंकि ये आपका कोई यूनिवर्सिटी का तो इकोनॉमिक्स का पेपर नहीं है कि टीचर के ऊपर डिपेंड करता है वो जैसा भी पेपर बनाए। अब मैं आईकैप को देखते हुए आईकैप का जो पैटर्न है उसी के मुताबिक आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये करेक्ट कर लिया सबने। अच्छा, हम क्या कर रहे थे? हम कह रहे थे फैक्टर्स इफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अक्सर ये होता है कि एग्जामिनर कमेंट में भी आपको ये बात देखिएगी। अच्छा, चैप्टर 2 का मैंने जो आपको सजेस्टेड सॉल्यूशन भेजा उसमें एग्जामिनर कमेंट ऐड करे मैंने, वो इसी वजह से ताकि आप उसको रीड करें साथ साथ क्वेश्चंस के साथ कि नॉर्मली स्टूडेंट्स कितनी सिली मिस्टेक्स कर रहे होते हैं। अच्छा, इसी तरह एक ब्लंडर ये भी आपको मारा जाता है स्टूडेंट्स का कि जब वो देखते हैं प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड का फैक्टर्स पूछे जा रहे हैं तो वो फैक्टर बता देते हैं डिमांड का,
ठीक है, ये वही स्टूडेंट्स कर सकते हैं, या तो जो बहुत ज्यादा प्रेशर हो जिनके ऊपर पेपर का, बहुत टेंशन में आ जाए, या फिर जिनके कॉन्सेप्ट इतने ज्यादा क्लियर नहीं है, जिन्होंने सिर्फ याद किया हुआ है कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो वो ये गलती कर सकते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के फैक्टर्स पूछें तो डिमांड के बता दें, डिमांड के पूछें तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के फैक्टर्स बता दें। इसमें जरा जो है वो आप लोग याद रखिएगा, इस तरह की मिस्टेक मत कर दीजिएगा। अच्छा, फर्स्ट फैक्टर हमारे पास आ जाता है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। पहले तो मुझे एक दफा याद दिला दो कि इलास्टिक डिमांड क्या होती है और इनइलास्टिक डिमांड क्या होती है। इलास्टिक डिमांड जरा उमर मुझे बता दो। किसी भी प्रोडक्ट की अगर इलास्टिक डिमांड है तो उसका क्या मतलब है? अगर वो प्राइस को अपनी इंक्रीज करेगा तो उसकी डिमांड प्राइस और डिमांड का तो नेगेटिव रिलेशन ही है, वो नेगेटिव ही रहेगा। हमने इलास्टिक और इनइलास्टिक में क्या पढ़ा था कि रिस्पॉन्सिवनेस कितनी है, ज्यादा रिस्पॉन्ड करेगी या कम करेगी। तो आपने बताना है इलास्टिक में ज्यादा रिस्पॉन्ड करती है, अगर प्राइस इंक्रीज होगी तो डिमांड बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, रिस्पॉन्ड ज्यादा कर रही है, और इनइलास्टिक में रिस्पॉन्ड कम कर रही होती है, ठीक है ना, करती है बट कम करती है। अच्छा, अवेलेबल, अब क्योंकि ये इसी वजह से मैंने पूछा कि अब आप लोग इजीली सारे फैक्टर्स को, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो इलास्टिक और इनइलास्टिक में, तो अब वो आराम से ये फैक्टर्स बता सकता है। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, अगर किसी प्रोडक्ट के बहुत सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं, ऐसी प्रोडक्ट का प्रोड्यूसर अगर अपनी प्राइस को इंक्रीज करता है तो उसकी डिमांड ज्यादा रिस्पॉन्ड करेगी या कम रिस्पॉन्ड करेगी? ज्यादा रिस्पॉन्ड करेगी क्योंकि सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं। इट मीन्स कि अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं तो डिमांड क्या होगी? इलास्टिक। और सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है ज्यादा तो इनइलास्टिक डिमांड होगी। इस फैक्टर में किसी को भी कंफ्यूजन है? क्लियर है सबको? तो सेकंड फैक्टर हमारे पास आ जाता है कि जो कमोडिटी है उसकी नेचर क्या है। नेचर में हम अभी यहाँ पे फिलहाल बात कर रहे हैं कि वो लग्जरी है या फिर बेसिक नीड का कोई आइटम है, नेसेसिटी है कोई। ये भी आप लोग इजीली बता सकते हैं ना कि जो आपके इसेंशियल आइटम्स है उनकी डिमांड क्या होती है? इनइलास्टिक होती है। और जो आपकी लग्जरी है उसकी डिमांड को क्योंकि आप पोस्टपोन कर सकते हैं तो उसकी डिमांड क्या होती है? आपकी इलास्टिक होती है। तो एक फैक्टर हमारे पास आ जाता है कि जो कमोडिटी है उसके हमारे बजट में क्या पोजीशन है, क्या हमारे बजट का बहुत लार्ज पोर्शन उस पर स्पेंड हो रहा है या उसका बहुत, हमारे बजट का इनकम का बहुत स्मॉल पोर्शन उस कमोडिटी पे स्पेंड हो रहा है। अच्छा, अगर कोई ऐसी कमोडिटी है जिसपे हमारी इनकम का बहुत आपका स्मॉल पोर्शन स्पेंड हो रहा है तो अगर उसकी प्राइस इंक्रीज होती है तो हम पे कोई बहुत ज्यादा इम्पेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कि आप इसकी में आप ले सकते हो मैच बॉक्स, आप ले लेते हैं सॉल्ट की एग्जाम्पल, आप लेते हैं न्यूज पेपर की, आपकी एग्जाम्पल लेते हैं,
ये आपके बहुत ऐसी कमोडिटीज हैं जिनकी प्राइसेस बहुत कम होती हैं, ठीक है, तो ये आपके बजट का बहुत आपका स्मॉल पोर्शन इस पे स्पेंड होता है, इसी वजह से इनकी डिमांड क्या होती है, इन इलास्टिक होती है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आप बात कर लो कि कार की आप बात करो या हाउस की बात करो या अप्लाइंसेस की बात करो जिसपे आपके बजट का अच्छा खासा पोर्शन जो है वो स्पेंड हो रहा है, तो अगर ऐसी किसी कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज होगी तो आपको इम्पैक्ट फील होगा, तो आप डिमांड को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, यानी ज्यादा कम करेंगे। कम तो आप दोनों में कर रहे हैं लेकिन जो आपका रिस्पॉन्ड है, रिस्पॉन्सिवनेस है, वो दूसरे उसमें ज्यादा रहेगी। इट मीन्स कि अगर आपका लार्ज पोर्शन स्पेंड हो रहा है तो आपकी डिमांड क्या हो रही है, इलास्टिक, और अगर स्मॉल पोर्शन आपकी इनकम का स्पेंड हो रहा है तो डिमांड क्या है, इन इलास्टिक है। जी बिल्कुल इनइलास्टिक है, ये सारे फैक्टर्स हम बिल्कुल बिल्कुल उसी तरह अलग अलग करके पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, यानी अगर आप इन सबको मिला देंगे तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। इसी तरह मैं बोलूँ लार्ज पोर्शन तो फिर लग्जरी पे अगर स्पेंड हो, लग्जरी पे भी स्पेंड हो रहा होता है, ठीक है, तो फिर लार्ज पोर्शन, जब लग्जरी की डिमांड तो आपकी इनइलास्टिक होती है लेकिन लार्ज पोर्शन पे जो आपके स्पेंड हो रहा है उसकी डिमांड आप इलास्टिक है, तो इन फैक्टर्स को कभी भी मिक्स मत कीजिएगा, हर फैक्टर को अलग से हम कमोडिटी के साथ उसका रिलेशन पढ़ रहे हैं। अच्छा, अगर ब्रांड लॉयल्टी एग्जिस्ट करती है, यानी किसी कम आप कोई ऐसी कमोडिटी होती है जिसको आप हमेशा से आप वही यूज करते आए हो, तो आप कहते हो ना ब्रांड लॉयल हो, उसकी अगर प्राइस इंक्रीज भी हो जाती है तो आप स्विच नहीं करोगे, नहीं मैं तो हमेशा से यही यूज करता हूँ, यही यूज करता रहूंगा, तो इट मीन्स कि ब्रांड लॉयल्टी की वजह से आपकी डिमांड क्या हो जाती है, इन इलास्टिक हो जाती है। जैसे अक्सर आप देखेंगे कि कुछ आपको आईफोन यूजर्स में आपको ब्रांड लॉयल्टी बहुत देखेगी, आपको अगर सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह की बात करें तो आपको कोक के जो कंज्यूमर होते हैं वो अक्सर मुझे भी आप इंक्लूड करें इस चीज में कि अगर मेरे सामने कोक और पेप्सी रखी हुई होगी तो मैं हमेशा कोक को चूज करूंगी, क्योंकि मेरे लिए वो चीज बिल्कुल ही अलग है। तो आप कुछ कंज्यूमर्स आपके किसी प्रोडक्ट के लिए ब्रांड लॉयल होते हैं जिसकी वजह से क्या हो जाता है, उसकी डिमांड इन इलास्टिक हो जाती है। ऐसा होता है या नहीं होता, होता है ना, बिल्कुल अच्छा। मुझे अगर टाइम पीरियड के बाद का कनेक्शन देखना हो डिमांड के साथ की इलास्टिक होती है इनइलास्टिक, तो हम इस तरह देखते हैं कि शॉर्ट टर्म में क्या होता है कि अगर किसी कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज भी होती है, अब हमारी एक हैबिट में है ये चीज कि हम उसी चीज को कंज्यूम करते आए, तो हम कहते हैं कि हैबिट्स को चेंज करना शॉर्ट टर्म में इतना जल्दी पॉसिबल नहीं होता, इतनी जल्दी आप स्विच नहीं कर पाते। दूसरा ये कि अक्सर ये होता है कि किसी कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज हुई है बट उसका कोई सब्सिट्यूट ये अभी इतना अवेलेबल नहीं है, तो शॉर्ट रन में क्योंकि सब्सिट्यूट अवेलेबल नहीं हो पाते इतनी जल्दी और आप अपनी आदत को भी इतनी जल्दी चेंज नहीं कर पाते, इसी वजह से शॉर्ट रन में डिमांड जो है वो आपकी इन इलास्टिक होती है। लेकिन लॉन्ग रन में अक्सर जो है वो फिर लोग कुछ चीप सब्सिट्यूट जो है वो निकालते हैं जिसकी वजह से सब्स्टिट्यूट्स भी अवेलेबल हो जाते हैं, आप थोड़ी सी अपनी हैबिट्स वगैरह को चेंज करते हैं तो लॉन्ग रन में आपकी डिमांड इलास्टिक होती है।
शॉर्ट रन में हमने ये बात करी थी कि फॉर एग्जांपल अभी अभी कोई कोई ऐसी प्रोडक्ट आपके जहन में आती है कि जो आप मतलब आपको बहुत ज्यादा आदत है, आप उसकी बिल्कुल भी डिमांड नहीं चेंज कर सकते। फॉर मेडिसिन्स की किसी को आदत नहीं होती, वो तो मजबूरन सब फॉर एग्जाम्पल अब ये लड़कों के लिए स्पेशली खास एग्जाम्पल हो जाएगी, लेकिन अगर कोई स्मोकिंग वगैरह कर रहा है या कोई छालिया वगैरह जो आपके यूजर होते हैं नहीं खाते तो बहुत बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो यूज कर रहे होते हैं उनकी बहुत ज्यादा हैबिट में होती है वो चीज। तो अगर अभी बीच में हुआ था कि टैक्सेस बहुत ज्यादा लग गए थे और ये छालिया वगैरह ये सब चीजें बहुत एक्सपेंसिव हो गई थी, लेकिन ऐसे लोग फिर भी किसी तरह कोशिशों में लगे हुए थे कहीं ना कहीं से मिल जाए, लेकिन अगर कंटिन्यू रहेगी ये चीज तो एक वक्त ऐसा आएगा कि आप अपने हैबिट चेंज करने कर लेंगे आप अपने इवेंचुअली, कि भाई इतनी हाई प्राइस है तो आप अपनी हैबिट को चेंज करने पे मजबूर हो जाएंगे। या फिर ये अब इस केस में तो मैं सब्स्टिट्यूट की एग्जांपल नहीं ले सकती, बट अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिसके सब्स्टिट्यूट इतने ज्यादा अवेलेबल नहीं है तो उस केस में भी अगर लॉन्ग रन में आपके कुछ लोग अब सोचते हैं कि अच्छा ये चीज तो बहुत एक्सपेंसिव है तो कोई इसका कोई सब्स्टिट्यूट होना चाहिए, तो कोई इसके सब्स्टिट्यूट के बारे में सोचते हैं कि कोई ऐसे सब्स्टिट्यूट हो जो थोड़ा सा लो प्राइस का सब, तो उसकी वजह से भी वो जब सब्स्टिट्यूट आपका मार्केट में आता है तो लोग स्विच कर रहे होते हैं। तो ये सब्स्टिट्यूट भी शॉर्ट रन में नहीं अवेलेबल होता, जाहिर है कि लॉन्ग रन में ही आपके सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होंगे। इसी वजह से शॉर्ट रन में आप अक्सर जो है वो आप कंटिन्यू रख रहे होते हैं, अपनी कंजम्पशन को इतना कम नहीं कर पाते तो शॉर्ट रन में आपकी इनइलास्टिक डिमांड होती है। अच्छा, फिर हमारे पास फैक्टर आ जाता है प्राइस रेंज। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जिनकी प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई होती हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हम इतनी हाई प्राइस प्रोडक्ट में हम बात कर लें मर्सिडीज या ऑडी और इन सब कार्स जो आपके बिल्कुल लग्जरी कार्स हैं, इनकी अगर आप बात करें, यहाँ पे जितने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं इनमें से कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी करंटली उनकी इतनी परचेजिंग पावर है कि वो ऐसी कोई प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं मर्सिडीज या ऑडी वगैरह? नहीं हो सकते हैं बिल्कुल, अभी अभी करंटली वैसे ऐसी बातें बताई नहीं जाती हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा ऐसा कोई यहाँ पे बैठा हुआ है जो ये दो प्रोडक्ट्स, ये ऐसी लग्जरी कार्स वगैरह और इतनी लग्जरी प्रोडक्ट्स परचेज कर सकता है, इट मींस उसकी अच्छी खासी परचेजिंग पावर है। ठीक है, अब इतनी हाई प्राइस प्रोडक्ट की अगर फर्दर थोड़ी सी प्राइस इंक्रीज होती है तो जो बंदा इनको परचेज कर सकता है उसकी इतनी परचेजिंग पावर है कि उस पर इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, तो और हम और आपकी तो डिमांड ही नहीं है ना, तो हम पे तो किसी तरह का कोई इम्पैक्ट पड़ना ही नहीं है। ठीक है, तो हम तो उसके डिमांडर्स हैं ही नहीं। ठीक है, हम तो उसके है ही मार्केट में आते ही नहीं है। तो जो बायर है इतनी हाई प्राइस प्रोडक्ट का, वो उसकी इतनी परचेजिंग पावर है कि थोड़ी बहुत प्राइस इंक्रीज होने से उस पर इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इसी वजह से जो बहुत जिन प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा हाई प्राइस होती है उनकी डिमांड इनइलास्टिक होती है। बिल्कुल इसी तरह का कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिसकी बहुत ही लो प्राइस है, तकरीबन हर कोई जो है वो सफिशिएंट क्वांटिटी परचेज कर रहा है, अगेन इतनी लो प्राइस प्रोडक्ट की भी डिमांड क्या होती है? इनइलास्टिक होती है। तो ये वही बात हो जाती है कि आप अपने बजट में से आपका बिल्कुल स्मॉल पोर्शन किसी कमोडिटी पे स्पेंड हो रहा है क्योंकि उसकी बहुत ही कम प्राइस है, तो ऐसी प्रोडक्ट की प्राइस का चेंज होने हो जाने से भी आपको कोई इतना इम्पैक्ट फील नहीं होता। तो वेरी हाई प्राइस प्रोडक्ट और वेरी लो प्राइस प्रोडक्ट दोनों की डिमांड क्या होती है आपकी? इनइलास्टिक होती है। इनकम लेवल, अच्छा, अब आप लोग माशाल्लाह बहुत अमीर हैं तो आप लोगों के लिए ज्यादातर प्रोडक्ट्स की डिमांड क्या होगी? इनइलास्टिक होगी। और मेरे लिए, मैं बहुत गरीब हूँ तो मेरे लिए जो है वो ज्यादातर प्रोडक्ट्स की प्राइस क्या होगी? इलास्टिक होगी, क्योंकि मुझे तकरीबन हर प्रोडक्ट की प्राइस के चेंज होने का इम्पैक्ट फील होगा। ठीक है ना, मारो फिर आप भी मेरी कैटेगरी में आ रही हो।
प्राइस बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी तो वो उसी चीज में आ जाएगी ना कि शॉर्ट रन में तो किसी तरह कोशिश करेंगे बट लॉन्ग रन में कैसे कंटिन्यू रख सकते हैं। लेकिन कुछ चीजें तो ऐसी है ना कि फिर और भी बहुत सारी बात आ जाती है। ये तो कुछ चीजें ऐसी जो इलीगली भी आ रही हैं आपके पास, ठीक है, तो ये तो मार्केट में गवर्नमेंट तो उन्हीं पे टैक्सेस लगा सकती है ना जो लीगली मार्केट में अवेलेबल है, तो जो इलीगली आ रही है उन पे तो कैसे ये सब काम होगा। कर वैसे गवर्नमेंट सब सकती है, ये तो गवर्नमेंट को तो छोड़ें, गवर्नमेंट को तो आप छोड़ें, पहले हर इंडिविजुअल अपने बारे में सोच ले कि वो कहाँ स्टैंड करता है, ठीक है। जो जिस लेवल पे, मैं तो यही बात कहती हूँ कि भाई आपको जिस लेवल पे आप चोरी कर सकते हैं आप चोरी करते हैं, हर कोई अपने लेवल पे चोरी कर रहा है। और अगर कोई कह रहा है कि अब नहीं नहीं मैं तो बड़ा ईमानदार हूं मैं बिका नहीं, तो इट मींस कि उसने प्राइस अपनी हाई रखी हुई है, थोड़ी सी प्राइस बढ़ाओ आप भी बिक जाएंगे, तो ये वाली चीज है। तो ये ईमानदारी तो पहले आप लोगों में एग्जिस्ट नहीं कर रही अगर, तो फिर जाहिर है आवाम से ही निकल के फिर हुक्मरान बन रहे हैं, तो ये वाली चीज है। तो पहले हम लोग, हमारी बहुत आदत बन गई है कि हमारे जो ऊपर के लोग होते हैं ना बस हम उनको बोलते रहते हैं, हुकूमत ने ये नहीं किया, ये नहीं कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। पहले आपको इंडिविजुअली जो है वो अपने आप को चेंज करने की जरूरत है, ठीक है। तो हुकूमत को बहुत कुछ करना चाहिए लेकिन क्या करें। तो हमने ये बात, मैं खुदा न खास्ता इस वजह से नहीं बोल रही कि आप लोगों पे मैं कोई बात कह रही हूँ कि आप लोग ईमानदार नहीं है, सिर्फ ये कि किसी भी लेवल पे जाएं, किसी भी लेवल पे अगर आप, मतलब आपने ईमानदारी के साथ काम करना है। अगर आपको लगता है कि नहीं आप ये काम सही नहीं कर सकते तो आप छोड़ दें, वो काम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अपने हलाल की कमाई को बस हराम ना करें, बस ये आपने हमेशा कोशिश रखनी है। अच्छा, एक हमारे पास लास्ट फैक्टर आ जाता है। मेरा पर्सनली मानना है कि इस फैक्टर का कनेक्शन सप्लाई के साथ ज्यादा बेहतर है डिमांड के मुकाबले में, लेकिन बहरहाल इन्होंने क्योंकि स्टडी टैक्स में भी जो है वो इसको डिमांड के साथ कनेक्ट किया हुआ है। अच्छा, अब बात ये आती है कि अगर प्रोडक्ट आपकी ड्यूरेबल गुड है, ड्यूरेबल गुड याद है हमने बात करी थी, ड्यूरेबल गुड कौन से होते हैं जो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, बिल्कुल। तो ड्यूरेबल गुड जैसे आपके फॉर एग्जांपल आपके ये कार्स हो गए, आपके अप्लायंसेस वगैरह हो गए, ऐसी प्रोडक्ट की डिमांड को आप पोस्टपोन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी डिमांड क्या होगी आपकी, इनइलास्टिक, तो मींस कि आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। पोस्टपोन जब कर सकते हैं तो प्राइस के इंक्रीज होने से डिमांड कम कर देंगे ना आप, क्योंकि अभी बहुत जरूरी नहीं हो गया आपके लिए यूज करना। बट अगर आपका पेरिशेबल प्रोडक्ट है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह, तो इनकी डिमांड को पोस्टपोन नहीं किया जा सकता, तो इनकी डिमांड क्या होगी, इनइलास्टिक होगी। तो ड्यूरेबल गुड्स की डिमांड इलास्टिक होती है और पेरिशेबल की इनइलास्टिक होती है। पेरिशेबल कौन से होते हैं, जिनकी क्वालिटी, जिनको आप इतना ज्यादा स्टोर नहीं रख सकते, जिनकी क्वालिटी बहुत जल्दी खराब हो जाती है। तो ये आपके पास 8 फैक्टर्स आ जाते हैं। नहीं, आप चाहें तो आप और भी लिखते हैं, किसने बस बोला है? अच्छा, अगर हम प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस पे आए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, तो एक प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस तो आप इजीली आपने खुद रिकमेंडेशन में कल दी थी कि प्रोड्यूसर्स को क्या पता चलता है कि अगर प्रोड्यूसर को पता है कि मेरी प्रोडक्ट की डिमांड क्या है, इलास्टिक है, तो मुझे अगर अपना रेवेन्यू इंक्रीज करना होगा तो मुझे अपनी प्राइसेस को क्या करना पड़ेगा,
डिक्रीज करना पड़ेगा ना, डिक्रीज करेंगे तो रेवेन्यू इंक्रीज होगा। इलास्टिक में अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होती है, याद है। और अगर मेरी प्रोडक्ट की डिमांड इनइलास्टिक है और मुझे अपना रेवेन्यू इंक्रीज करना है तो मैं हाई प्राइस चार्ज कर सकता हूँ अपने रेवेन्यू इंक्रीज करने के लिए। तो प्रोड्यूसर के लिए, तो प्रोड्यूसर को ये बात पता चल रही है कि उसको अपनी प्राइसेस को क्या करना चाहिए रेवेन्यू इंक्रीज करने के लिए। दूसरा, गवर्नमेंट को कैसे क्या पता लग रहा होता है कि अगर मैंने किसी ऐसी प्रोडक्ट पे हाई टैक्सेस इम्पोज करे जिसकी डिमांड इनइलास्टिक है, जैसे गवर्नमेंट कर रही होती है, ठीक है, सिगरेट्स पे और इन सारी डीमेरिट गुड्स पे बहुत ज्यादा टैक्सेस, हाई टैक्सेस लगाती है, तो उसको पता है क्योंकि इनकी डिमांड इनइलास्टिक है तो इस वजह से उन पे हाई टैक्सेस लगा रही होती है। लेकिन गवर्नमेंट को पता है कि अगर मैंने किसी ऐसी प्रोडक्ट पे टैक्सेस लगा दी है जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा इलास्टिक है तो मुझे मेरा रेवेन्यू इंक्रीज होने के बजाय क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा टैक्स रेवेन्यू। तो ये गवर्नमेंट के लिए भी यूजफुल है और प्रोड्यूसर के लिए भी यूजफुल है। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, आप लोग चाहें तो एक दफा रीड कर लें। आप लोग पास्ट पेपर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, पास्ट पेपर क्वेश्चंस को आप लोग जरूर सॉल्व कीजिएगा। तकरीबन आपके सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो मुश्किल से कुछ ही क्वेश्चंस आते हैं जो वो कभी हर अटेम्प्ट में दे देता है थोड़ा सा हटके, जो बुक में, बस वो वाले क्वेश्चन 14 से लेकर। हाँ जी जी बिल्कुल, चैप्टर के एंड में जो है ना वो वाले क्वेश्चन, पता नहीं सिलेबस, इसी सिलेबस में रहूंगी। अच्छा, मैं आप लोगों को अभी, मैं भूल भी गई थी, चैप्टर 3 का सजेस्टेड सॉल्यूशन भी सेंड कर रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, सजेस्टेड सॉल्यूशन से आसानी कुछ हो रही है आप लोगों को, एक अंदाजा हो रहा है कि अच्छा इस तरह का आंसर आपने जो है वो ड्राफ्ट करना है। आप बिल्कुल चैप्टर 2 में थे ना, मैंने चैप्टर 3 का सेंड तो नहीं करा है ना आप लोगों को अभी तक, सेंड कर देते। ये इसी अटेम्प्ट में मैंने जो है वो चैप्टर्स के पास्ट पेपर के सॉल्यूशंस भी देना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि मैं बताया करती थी पहले, लेकिन स्टूडेंट्स वो मिस्टेक रिपीट ही करते थे, इस वजह से अब मैंने सजेस्टेड सॉल्यूशन खुद ही बना लिए। ये देख लीजिएगा, मेरे ख्याल में तो मैंने एग्जामिनर कमेंट ऐड करे हैं। हाँ बिल्कुल करें। अच्छा चलो जरा इनको क्विकली सा ना एक देख लेते हैं कि जो टॉपिक हमने करे हैं उनमें क्या आप क्वेश्चन पढ़ेंगे और आप बोलेंगे ये तो इतना इजी क्वेश्चन है, इसमें क्या कैसे कोई मिस्टेक कर सकता है, बट जब आप एग्जामिनर कमेंट पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि स्टूडेंट्स कितनी ज्यादा सिंपल से सिंपल क्वेश्चन में भी मिस्टेक्स कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन ढूंढते हैं जो आप लोग कर चुके हैं। जी ये फोर फैक्टर्स इफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डेफिनेशन कौन सी किसकी अच्छा ये क्वेश्चन पास्ट पेपर का है, गिव फोर फैक्टर्स, क्योंकि गिव का जो वर्ड यूज किया हुआ है ना वो आपको ऐसे नहीं बता रहा कि ब्रीफ। कितने मार्क्स का है? 4 मार्क्स का है। कम से कम अगर देखो इसमें क्या करो, क्योंकि उसने ब्रीफली एक्सप्लेन नहीं बोला तो आप पॉइंट में एक्सप्लेन कर दो, आप हेडिंग नहीं डालो, हेडिंग नहीं डालो, पॉइंट में आप एक दो लाइंस में जो है वो हर फैक्टर को एक्सप्लेन कर दो। अगर वो ब्रीफली एक्सप्लेन बोल रहा है तो आपने हेडिंग भी डालनी है और फिर एक्सप्लेन करना है, बट अगर वो स्टेट का वर्ड यूज कर रहा है या आइडेंटिफाई का वर्ड यूज कर रहा है या फिर गिव इस तरह का वर्ड यूज कर रहा है, तो आपने कुछ चीजों में खाली हेडिंग सेंस नहीं देती ना। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आपने इनकम लेवल की हेडिंग डाल दी, अभी क्या बता रहा है? कम से कम आप वन साइड एक्सप्लेनेशन तो देना कि अगर इनकम लेवल ज्यादा होगा तो क्या होगा, तो वाइस वर्सा ठीक है, आपको ये पता है तो आपको पता है कि अगर नहीं होगा तो फिर क्या होगी डिमांड, तो कम से कम वन साइड आप बता दें। अच्छा मैं ढूंढ रही हूँ कि कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आसान हो, और उसका देखें अब जो बात मैं बोलती हूँ एग्जैक्ट वही बात यहाँ पे एग्जामिनर कमेंट में लिखी हुई है। अगर आप देखें पेज नंबर 4 पे एक क्वेश्चन नंबर 6 है जो हमने कल करा था, ठीक है ना, और इसमें न्यूमेरिकल आपके पास आया हुआ है, वही न्यूमेरिकल जो आप लोगों ने सबने कल करा है। इसमें वैसे तो एग्जामिनर कमेंट ने बोला हुआ है, एग्जामिनर कमेंट में बोला गया है कि नॉर्मली स्टूडेंट्स ने करेक्ट फॉर्मूला यूज किया था, बट एंड में उसने लिखा हुआ है कि हाउएवर अ फ्यू स्टूडेंट्स इनकरेक्टली अप्लाइड द फॉर्मूला एज दे स्टेटेड द चेंज इन प्राइस इन द न्यूमरेटर एंड चेंज इन द क्वांटिटी इन द डिनोमिनेटर।
वही वाली बात। और ये मेरे पास आ रहे होते हैं ऐसे स्टूडेंट्स के क्विज जिन्होंने क्वांटिटी को डिनोमिनेटर में ले लेते हैं, और क्यों लेते हैं वो कल मैंने रीजन बताई थी कि पहले आपने फाइंड कर लिया परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और फिर आपने फाइंड किया परसेंटेज चेंज इन डिमांड, कि आपने बोला दोनों ही तो फाइंड करने हैं, पहले जो भी फाइंड कर लें। लेकिन जब आप पुट करते हैं तो पहले आपने क्योंकि परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकाला होता है तो आप पहले आप उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं गलती से, तो आपको पता होता है, लेकिन जल्दी में जो है वो आपकी मिस्टेक हो जाती है। अच्छा मैं हर एग्जामिनर कमेंट पे इसलिए नहीं कर रही क्योंकि सप्लाई वाले अभी हमने करे नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 9 कल हमने करा था, एक्सपेंडिचर मेथड हमने कर लिया था, किसी ने परसेंटेज मेथड किया है इसका? अच्छा अगर आपको परसेंटेज मेथड करना भी हो तो आपने खाली पुट करनी थी ना वैल्यूज, और तो कुछ नहीं करना था, और बी पार्ट में बोला होता है रिकमेंड करें। जिसने रेवेन्यू मेथड समझा हुआ है क्या वो कुछ रिकमेंड नहीं कर सकता? क्या वो नहीं ये बात नहीं बता सकता क्योंकि इनइलास्टिक डिमांड है? आप सबने ये बात कल मुझे बता दी थी ना खुद से कि प्राइस इंक्रीज करनी चाहिए रेवेन्यू इंक्रीज करने के लिए। लेकिन आप यहाँ पे जरा इसके पढ़े ए पार्ट के, तो उसने लिखा हुआ है कि 40% स्टूडेंट्स ने जो है वो अच्छा परफॉर्म किया है, जबकि मेनी स्टूडेंट्स कंफ्यूज एक्सपेंडिचर मेथड विद परसेंटेज मेथड एंड वाइस वर्सा, और सम स्टूडेंट्स ने आर्क एंड पॉइंट मेथड पता नहीं अटेम्प्ट करा है, सम स्टूडेंट्स परफॉर्म द कैलकुलेशन पार्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर मेथड करेक्टली बट द इंटरप्रिटेशन सही नहीं करी है। फिर बी पार्ट तो इन्होंने बोला है कि दिस पार्ट वाज पुअरली अटेम्प्टेड, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स डिड नॉट रीड द क्वेश्चन केयरफुली, रादर देन कमेंटिंग ऑन द इनइलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेनी कैंडिडेट्स ट्राई टू इलैबोरेट द रिलेटिव बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ द टू मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन। अब कहीं भी क्वेश्चन पढ़ के ऐसा लग रहा है कि वहां पर उन दोनों मेथड्स को जो है वो कंपेयर करना है आपस में। तो बी पार्ट कितने तकरीबन उसने लिखा हुआ है कि स्टूडेंट्स ने सही अटेम्प्ट नहीं करा है, तो एटलीस्ट आपको पढ़ के ये तो पता लग रहा था ना कि क्या पूछना चाह रहा है, तो आप थोड़ा बहुत तो लिख सकते थे ना उसमें। लेकिन स्टूडेंट्स ने मतलब उस कॉन्टेक्स्ट में लिखा ही नहीं है, बिल्कुल ही अलग ही बात जो है वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इस तरह जब भी आप एग्जामिनर कमेंट पढ़ेंगे तो आपको एक आइडिया होगा कि स्टूडेंट्स क्या जो है वो मिस्टेक कर रहे होते हैं। अच्छा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे हम आ जाते हैं। असल में अरिबा ये इस वजह से कि जो बुक जो पब्लिश हुई है ना वो आपकी लास्ट बैच में हुई है, उस मतलब उसके स्टार्ट में हुई है, तो इस वजह से जो बिल्कुल लास्ट अटेम्प्ट के जो आपके क्वेश्चंस हैं वो इसमें नहीं है, स्प्रिंग 2021 के। वो मैं आपको अलग से आप बोलेंगे तो मैं आपको पास पेपर सेंड कर दूंगी उसका, ठीक है? हीबा देखो अगर आप कर दो ऐसा फॉर्मूला तो लिखो तो ज्यादा बेहतर है, फॉर्मूला पहले लिख लो फिर वैल्यूज पुट करो, ठीक है? अच्छा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमने बोला था कि तीन टाइप्स हम पढ़ेंगे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को सबसे ज्यादा डिटेल में पढ़ा है और उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। सेकंड हमारे पास इलास्टिसिटी आ जाती है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अच्छा इसको हम इनकम को जो है वो डिनोट कर रहे होते हैं वाई से, तो हम इसको इस तरह लिखते हैं वाई और स्मॉल में ईडी, जिस तरह हम उसको पी ईडी लिखते हैं। क्या आप लोग इसका फॉर्मूला मुझे खुद से बता सकते हैं बगैर नोट्स या बुक वगैरह में देखे हुए? ये क्या होगा? परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, यही होगा, बस आपने प्राइस की जगह पे उसको चेंज कर दिया किससे, इनकम से।
अच्छा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में मुझे याद दिलाना कि अगर आपका नेगेटिव आंसर आ रहा था तो हम क्या बोल रहे थे कि नॉर्मल गुड है, नेगेटिव और पॉजिटिव का इससे ताल्लुक नहीं है। नेगेटिव तो लेस देन जीरो है, ठीक है, वो तो कोई आपकी डिग्री ऐसी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो साइन के थ्रू हम इसमें ही, मतलब अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आता है तो आपने वही आर्क मेथड से ही करना है, सेम वही सेम उसी मेथड से, कोई डिफरेंट मेथड नहीं है इसमें। अच्छा अगर हमारे पास पॉजिटिव आई थी तो हमने टाइप ऑफ गुड क्या बताया था कि ये गिफिन गुड होगा, अगर आती है तो ये गिफिन गुड होगा। इसी तरह इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में अगर आपके पास नेगेटिव या पॉजिटिव आता है तो आप टाइप ऑफ गुड बता सकते हैं। अगर आपके पास इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आंसर नेगेटिव आ रहा है तो आप क्या कंक्लूड करेंगे? लेस देन जीरो का क्या मतलब है नेगेटिव, और नेगेटिव का क्या मतलब हुआ? आप इस फॉर्मूले में देखकर बता सकते हैं कि नेगेटिव कब आएगा, डिमांड कम हो, ऐसा ही होगा ना। नेगेटिव कब आएगा? जब इनकम के इंक्रीज होने से डिमांड डिक्रीज हो। तो ये कौन सी टाइप होगी आपकी? नॉर्मल में ऐसा होता है? नॉर्मल में तो हमने नहीं पढ़ा था कि आपका डायरेक्ट रिलेशन होता है। इंफीरियर गुड में हमने ये बात पढ़ी थी कि इनकम के इंक्रीज होने से हम डिमांड क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। इट मींस अगर आपके पास इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आंसर नेगेटिव आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे, कौन सी कमोडिटी आपकी इनफीरियर। तो अगर पॉजिटिव आ रहा है तो दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इट मींस गिफन का ताल्लुक इनकम के साथ नहीं है, प्राइस के साथ है। बिल्कुल, साइंस से हम नेचर ऑफ गुड फाइंड कर रहे होते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में भी हमने यही करा था। शफकत आप ग्रुप में नहीं हो? तो इसमें क्योंकि ऐसा कोई न्यूमेरिकल आया हुआ नहीं है पास्ट पेपर में, लेकिन अगर आपके पास कोई न्यूमेरिकल आता है तो किस तरह आएगा? अब आपको वो डिमांड देगा, डिमांड की दो वैल्यूज देगा, और किसकी वैल्यूज देगा? इनकम की दो वैल्यूज देगा। किस मेथड से करना है? आपने वही आर्क मेथड से करना है, जिस तरह आप करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व, सेम उसी तरह होगा, इसका कोई अलग से मेथड नहीं है। अच्छा थर्ड टाइप हमारे पास आ जाती है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और ये बात पूछी जाती है नॉर्मल इंफीरियर गुड वाली इस आपके एमसीक्यूज वगैरह में ये बात आ रही होती है। तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की अगर हम बात करें तो इसमें हम ये बात करते हैं कि अगर एक कमोडिटी की प्राइस चेंज होती है तो दूसरी कमोडिटी की डिमांड पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये देख रहे होते हैं हम। अगर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड चेंज हो तो हमारी कमोडिटी की डिमांड पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। इट मींस इसका फॉर्मूला कैसा होना चाहिए? परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ गुड बी ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड ए, ऐसी होना चाहिए ना। एक की प्राइस के चेंज होने से दूसरी की डिमांड पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है? तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या फॉर्मूला हम लिखेंगे? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ गुड ए डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड बी। अच्छा ये बात आप सबको क्लियर हो गई है ना कि अगर जो हमने फॉर्मूला लिया है उसमें दोनों वेरिएबल्स जो हैं वो आपके सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो आपके पास आंसर पॉजिटिव आएगा, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो आपके पास आंसर नेगेटिव आएगा, ठीक है ना। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ कि अगर प्राइस ऑफ गुड बी के इंक्रीज होने से डिमांड ऑफ गुड ए डिक्रीज हो रही है तो हमारे पास नेगेटिव आएगी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ऐसी होगा। तो हम क्या कंक्लूड करेंगे कि जो कमोडिटी है ये कॉम्प्लीमेंट्री है आपस में या सब्सिट्यूट है? अच्छा सब्सिट्यूट्स, कितने स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सब्सिट्यूट्स हैं? क्यों अभी तो इतनी आवाजें मुझे सब्सिट्यूट्स की आई थी, अब जब मैंने पूछा तो सिर्फ एक हाथ उठ रहा है, बेचारे वही हैं जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ सब्सिट्यूट है। अच्छा कितने स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री है, बाकी
कुछ कहना ही नहीं चाह रहे हैं। चले सोचें। हाँ सब्स्टिट्यूट होगा, कोई एग्जांपल दो किसी कोई भी दो कमोडिटीज लिख। मैं हैरान हूँ क्या सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है क्या? चलो सबने ये कंक्लूड कर दिया है कि ये सब्स्टिट्यूट होंगे। क्या हो गया? मैं तो कुछ नहीं बोल रही हूँ। अच्छा सोच लिया, लॉक कर दूं आंसर जी? क्या हुआ तुम दोनों, आखिर कौन सी ऐसी डिस्कशन कर रहे हो जो आंसर नहीं निकल पा रहा है? हाँ इतना सोचना पड़ रहा है इस बात के लिए? भाई कॉम्प्लीमेंट्री में हमने क्या बात करी थी कि एक कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज होगी तो उसकी तो डिमांड कम होगी ही, दूसरी की भी डिमांड कम हो जाएगी, यही पढ़ा था ना हमने। तो कॉम्प्लीमेंट्री साफ पता लग रहा है कि एक की प्राइस इंक्रीज हो रही है तो दूसरे की डिमांड कम हो रही है। भाई सब्स्टिट्यूट में तो अगर एक की प्राइस इंक्रीज होगी तो हमारे प्रोडक्ट की तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि वो चीपर हो जाएगा रिलेटिवली उसके, ठीक है? तो अगर ये अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहे हैं तो आपके पास नेगेटिव आंसर आ रहा है। अगर क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आंसर नेगेटिव आ रहा है, इट मीन्स हम क्या बोलेंगे? बोथ गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट। मुजम्मिल, मुजम्मिल क्लियर हो गई अब ये बात? हाँ तो आप लोग भी एग्जांपल से ही सोचा करें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे गुड बी को चेंज करके आप कोई कमोडिटी सोच लें कि भाई पेप्सी की प्राइस इंक्रीज होगी तो कोक की डिमांड भी, आपकी कोक की डिमांड क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। सेम डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, इट मींस आपके सब्स्टिट्यूट है। और अगर क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आंसर जीरो आ जाए, अच्छा सबसे पहले तो किसी भी स्टेटमेंट पे अचानक बोलने से पहले, कोई स्टेटमेंट देने से पहले सोचा करो कि जो बात बोल रहे हो वो क्या सोच के बोल रहे हो। पहले तो ये सोचो कि जीरो का क्या मतलब है, जीरो कब आएगा, मतलब फॉर्मूले को देखकर बताओ कि जीरो कब आएगा। जब आपका प्राइस के चेंज होने से डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आए तभी जीरो आएगा ना। तो ऐसा कब होता है कि एक की प्राइस चेंज हो दूसरे की डिमांड में कोई चेंज ना आए? इंडिपेंडेंट गुड्स हो जब, जब आपस में उनका कोई कनेक्शन ही नहीं है, ना वो सब्स्टिट्यूट है ना वो कॉम्प्लीमेंट है। याद है ना मैंने रिलेटेड गुड्स और इंडिपेंडेंट गुड्स पहले बताए थे आप लोगों को, रिलेटेड गुड्स जिनका कुछ ना कुछ आपस में कनेक्शन है। इंडिपेंडेंट गुड्स में मैंने किसकी एग्जांपल दी थी? मोबाइल और शूज की। मोबाइल की प्राइस चेंज हो जाए शूज की डिमांड पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, कोई कनेक्शन ही नहीं है आपस में। तो यहाँ पे मैं एक चीज, एक कॉलम आप लोगों को बना रही हूँ ताकि आगे आप लोगों के पास इस तरह कभी आ सकता है। साइन तो हमने देख लिया कि अगर साइन आपका माइनस होगा तो कॉम्प्लीमेंट्री है, जी किसके आगे क्या लिखा है? साइन के आगे नाम, ये नंबर है। तो साइन तो हमें बता रहा है कि टाइप ऑफ गुड क्या है।
लेकिन अगर आपके पास नंबर की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल जैसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में अगर ग्रेटर देन वन आता है तो हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक डिमांड है, लेस देन वन आता है तो इन इलास्टिक डिमांड है, ठीक है, इक्वल टू वन आता है तो हम कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है। इसी तरह यहाँ पे भी थोड़ी इंटरप्रिटेशन में आपको ये बात पूछी जा सकती है। देखिए ग्रेटर देन वन अगर आपके पास क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आती है, चाहे वो कॉम्प्लीमेंट्री हो, सब्स्टिट्यूट हो, प्लस में आ रहा है या माइनस में आ रहा है, लेकिन ग्रेटर देन वन आ रहा है आपका, तो ग्रेटर देन वन आंसर हमें क्या बताएगा? ग्रेटर देन वन आंसर को देखकर हम क्या बोलेंगे कि ये दोनों इनका जो रिलेशन है वो क्लोज है या वीक है। ऐसा भी होता है ना, क्लोज और वीक रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी एग्जाम्पल से बात समझाती हूँ मैं। टी के कॉम्प्लीमेंट में हम शुगर को ले रहे होते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट है टी का, शुगर। लेकिन शुगर ही खाली यूज नहीं की जा सकती टी में, आप मतलब व्हाइट शुगर के साथ साथ ब्राउन शुगर भी होती है जो अक्सर लोग यूज करते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग जो ब्राउन शुगर यूज कर रहे होते हैं। इट मींस के आपका अगर व्हाइट शुगर की आपकी प्राइस इंक्रीज होती है तो इट मे पॉसिबल कि लोग जो है वो ब्राउन शुगर पे आ जाए। जरूरी नहीं है कि टी की डिमांड बहुत ज्यादा कम हो जाए, लोगों ने पीना ही छोड़ देना या बहुत कम कर देना है कि भाई शुगर आपकी एक्सपेंसिव हो गई है। इट मीन्स कि कॉम्प्लीमेंट तो है, व्हाइट शुगर और टी कॉम्प्लीमेंट तो है, बट हो सकता है इतना ज्यादा क्लोज कॉम्प्लीमेंट्स ना हो, वीक कॉम्प्लीमेंट्स हो, ठीक है ना। तो एक दो प्रोडक्ट्स आपस में कॉम्प्लीमेंट्स और सब्स्टिट्यूट्स तो हो, लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि बहुत ज्यादा क्लोज है, बहुत ज्यादा क्लोज कॉम्प्लीमेंट और सब्स्टिट्यूट्स हैं या वीक सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है ना। अच्छा तो वो फिर डिपेंड करते हैं, अगर बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है तो प्रोड्यूसर को बहुत देखना पड़ेगा कि मैंने अगर अपनी प्राइस चेंज करी या उसने अपनी प्राइस चेंज करी तो मेरी डिमांड पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। अच्छा अब ये बात कैसे पता चलेगी आपको, अगर वो इंटरप्रिटेशन में आपसे एक अच्छी आप वो जो है वो पूछना मांगना चाह रहा है कि आप अच्छा से, लेकिन सिर्फ ये ना बताएं कि कॉम्प्लीमेंट है सब्स्टिट्यूट है ये बात भी बताएं, तो ये आप कैसे बताएंगे? आपके पास आंसर आता है ग्रेटर देन वन, फॉर एग्जाम्पल आपके पास आ जाता है 1.5 और या 2 कर लेते हैं इसको, आपके पास आंसर आ जाता है 2 और ये आपके पास आ जाता है माइनस 2। तो सबसे पहले तो आपने बताया कि क्योंकि माइनस है तो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स हैं आपस में, लेकिन ग्रेटर देन वन आंसर है। अच्छा अब ग्रेटर देन वन इट मींस के ये 2 आ रहा है तो यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है। तो इसको आप रीड कर सकते हो कि मैं इसको कैसे रीड कर सकती हूँ, ये माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1, इसको मैं कैसे रीड कर सकती हूँ, इंटरप्रेट कैसे कर सकती हूँ? इकोनॉमिक वे में जी, हाँ हाँ तो बिल्कुल ठीक है। तो ये इस बात को आप बोलेंगे कैसे कि अगर प्राइस में 1% प्राइस अगर आपकी इंक्रीज होगी तो डिमांड आपकी मोर देन 1% से डिक्रीज हो रही है। अरे तो हाँ हाँ वही तो कह रही हूँ, मोर देन 1% यानी 2% से डिक्रीज हो रही है। इट मींस के प्राइस के चेंज होने से डिमांड पे जो इफेक्ट पड़ रहा है वो प्राइस से ज्यादा आ रहा है, प्राइस से ज्यादा आ रहा है इम्पैक्ट। इट मींस के जो भी, अब ये तो हमारा कॉम्प्लीमेंट का केस है तो हम क्या बोलेंगे, ये आपके स्ट्रॉन्ग रिलेशन है इसका, ठीक है ना, ये आपस में स्ट्रॉन्ग आपके क्लोज कॉम्प्लीमेंट्स है, ठीक है, क्लोज कॉम्प्लीमेंट्स है। लेकिन अगर यही आंसर आपके पास आ जाता है 0.5 तो इट मींस कि अगर प्राइस 1% से चेंज होती है तो डिमांड में 0.5% से चेंज आ रहा है, प्राइस से कम चेंज आ रहा है। इट मींस कि इनका रिलेशन तो है बट वीक रिलेशन है, तो आप क्या बोलेंगे, ये क्या है, वीक कॉम्प्लीमेंट्स हैं, ठीक है ना। तो जी तो वीक है, अब सब्स्टिट्यूट है या कॉम्प्लीमेंट्स हैं, ठीक है ना। तो आपने ये स्ट्रॉन्ग और वीक वाली स्टेटमेंट भी जो है वो अपनी इंटरप्रिटेशन में ऐड करनी है। तो इस वजह से मैं यहाँ पे लिख रही थी कि अगर ग्रेटर देन वन है तो आपका स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, यानी आप बोलेंगे कि क्लोज स्ट्रॉन्ग या क्लोज रिलेशन है। मैं रिपीट कर देती हूँ इस बात को, और लेस देन वन है क्लोज स्ट्रॉन्ग या स्लैश क्लोज। विनेश कुमार, विनेश मैं ये बात कर रही हूँ कि हमारे फॉर्मूले में ऊपर लिखा हुआ है प्राइस ऑफ गुड ए, सॉरी डिमांड ऑफ गुड ए, और नीचे लिखा हुआ है प्राइस ऑफ गुड बी, ये लिखा हुआ है। तो हमारा आंसर अगर ग्रेटर देन वन आता है
तो हम उसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे, हम उसके नीचे वन अगर कुछ नहीं है तो वन है, तो हम क्या बोलेंगे, ये अगर गुड बी की प्राइस 1% से इंक्रीज होती है तो गुड ए की डिमांड कितने परसेंट से चेंज होगी, मोर देन 1% से। तो एक की प्राइस के चेंज होने से अगर दूसरे की डिमांड उससे ज्यादा परसेंट से रिस्पॉन्ड कर रही है, इट मीन्स आपस में इनका रिलेशन बहुत क्लोज है, बहुत ज्यादा डिमांड रिस्पॉन्ड कर रही है उसके रिलेटेड गुड की प्राइस के चेंज होने से, हमारी डिमांड बहुत ज्यादा रिस्पॉन्ड कर रही है। लेकिन अगर लेस देन वन होगा इट मीन्स के उससे कम रिस्पॉन्ड कर रही है, ठीक है ना। प्राइस के चेंज होने से डिमांड, प्राइस अगर 1% से चेंज हो रही है आपकी, तो आपकी जो आपकी दूसरी जो प्रोडक्ट है रिलेटेड प्रोडक्ट उसकी डिमांड में से 0.5% से चेंज आ रहा है। तो अगर लेस देन 1% से चेंज आ रहा है तो इट मीन्स कि आपका रिलेशन एग्जिस्ट तो करता है बट वीक रिलेशन है। अच्छा, क्योंकि मुझे ऐसा ही एक क्वेश्चन करवाना है, ये आप लोगों ने कॉपी कर लिया, जिन स्टूडेंट्स ने कॉपी कर लिया है आप लोग देखिए जरा पास्ट पेपर में, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें अल्फा आप देखोगे, अल्फा बीटा गामा वगैरह का क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 ही है कि क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों ने सॉल्व करना है। इसके दो पार्ट्स हैं और फिर आंसर के मुताबिक फिर उसने सेकंड पार्ट में क्या बोला है, फर्स्ट पार्ट में वो क्या बोल रहा है कि डिटरमिन द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये जो आपके फर्स्ट और सेकंड पार्ट है इसके आप क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालें, और फिर सेकंड पार्ट में बोल रहा है ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिटरमिंड अबव कमेंट ऑन वेदर द गुड्स आर सब्स्टिट्यूट्स आर कॉम्प्लीमेंट्स। तो पहले तो आपने इलास्टिसिटी फाइंड करनी है, ये चीज क्लास में ही हो जाएगी तो आपको फिर अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी अच्छा, जो भी आंसर आए विनेश स्पेशली, आपने साइन को बहुत मतलब साइन को आपने बहुत इंपॉर्टेंस देनी है कि साइन कौन सा आ रहा है, नेगेटिव या पॉजिटिव। तो फर्स्ट पार्ट में आपके पास प्लस में आंसर आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है क्या, एक दफा फिर देख लें अच्छे से। प्राइस आपकी इंक्रीज हुई है, प्राइस में क्या लिखा हुआ है, प्राइस आपकी बीटा की इंक्रीज हुई है 50 to 55 और डिमांड डिक्रीज हुई है, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि आपके पास पॉजिटिव आंसर आ रहा हो, एक एक चीज इंक्रीज हो रही है और दूसरी डिक्रीज हो रही है। तो, हाँ अपने आर्क मेथड से करें, हाँ हाँ सारी क्वेश्चन आर्क मेथड से। हम्म,
हाँ तो ये नहीं, ये बोला नहीं है, अगर आप खाली ये भी लिखते हैं तो वो भी बिल्कुल ठीक होगा, लेकिन आई कैप के सर्च सॉल्यूशन में ये भी बोला गया है। हाँ लिख रहे हैं आप, अच्छा वैसे ए पार्ट, ये फर्स्ट अल्फा और बीटा वाले का क्या आंसर आ रहा है आपके पास? माइनस वन पॉइंट है, माइनस वन पॉइंट नाइन नहीं आ रहा आप लोगों का आंसर? वन माइनस वन पॉइंट नाइन आ रहा है, 1.6 कैसे आ रहा है? जरा एक दफा और करें, कोई मिस्टेक तो नहीं? माइनस 1.9, कितने स्टूडेंट्स का माइनस 1.9 आ गया है आंसर? और लड़कों में किसी ने भी नहीं किया अभी तक क्या? हाँ हाँ मैं फर्स्ट पार्ट का बोल रही हूँ, यहाँ पे ऑनलाइन स्टूडेंट्स में भी तकरीबन सबका माइनस 1.9 आ रहा है। हाँ बिल्कुल, मुजम्मिल अजीज बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है, और सेकंड पार्ट का भी बिल्कुल ठीक आंसर है विनेश। और हाँ बिल्कुल जी, ये तो आप बताएं पहले मुझे, 1.9 बिल्कुल प्लस या माइनस में ये नहीं पता, तो डायरेक्ट कैलकुलेटर से क्यों कर रहे हो? अगर कर रहे हो तो आपने बिल्कुल प्रॉपर करना है, ये कैलकुलेटर से नहीं करना है ये आप लोगों ने खाली। तो पहले किसका आ रहा था 1.6, तो क्यों आ रहा था ये देखा आपने? अलीजा माइनस 1.9 आ रहा है, तो ये 2.0, अच्छा आपने उसका हाँ बताया। और मैं आकर चेक करूंगी, अगर मुझे दिखा ना कि सिर्फ सबने कैलकुलेटर पे खाली जो है वो कैलकुलेशन करी है, आपने बकायदा प्रॉपर जिस तरह सॉल्व करते हैं उस तरह सॉल्व करना है। क्या आ रहा है? कैलकुलेटर कैसे गलत बोलेगा? आपने वैल्यूज गलती, सेकंड वाले का पॉजिटिव 0.5352 ऐसे आ रहा है। बिल्कुल, अल्फा और बीटा कॉम्प्लीमेंट्स हैं और गामा और डेल्टा सब्स्टिट्यूट्स हैं। अच्छा जिन स्टूडेंट्स ने दोनों पार्ट कर लिए हैं आप लोग वो ओपन कर लीजिएगा जो मैंने अभी सजेस्टेड सॉल्यूशन सेंड करा है, और मैं उसमें लिखवा नहीं रही क्योंकि जाहिर है वो मैंने ऑलरेडी सेंड कर दिया, तो उसमें मैं क्या अपना टाइम लगाऊं लिखने में, तो आप उसको बस रीड कर लीजिएगा एक दफा। पेज नंबर 3 पर है ये जी। माइनस में कब आता है? माइनस में कब आता है? जब दोनों वेरिएबल्स का आपस में नेगेटिव रिलेशन हो या पॉजिटिव। बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्स। अच्छा कॉम्प्लीमेंट में आपका आंसर जो है वो ग्रेटर देन वन आ रहा है, तो उसमें आप क्या बोलेंगे, क्लोज कॉम्प्लीमेंट्स हैं या वीक हैं? स्ट्रॉन्ग और क्लोज इनका रिलेशन है। और सेकंड में आपके पास लेस देन वन आ रहा है, इट मींस के सब्स्टिट्यूट तो हैं बट वीक सब्स्टिट्यूट हैं। जी पूछ रहे हो कुछ? हाँ पूछो, किसका फॉर्मूला? एक सेकेंड, देखते हैं तुमने क्या किया।
Thank you.
क्योंकि आपका नेगेटिव है, ठीक है, एक के प्राइस के इंक्रीज होने से दूसरी की डिमांड डिक्रीज हो रही है, इस वजह से ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है।
अच्छा, तो जिन स्टूडेंट्स ने कर लिया है और खुद से इसकी कमेंट भी कर लिया है, आप लोग इसको जो सजेस्टेड सॉल्यूशन है एक दफा उसको जरूर रीड करना। अगर मैं रीड करके बताऊं जिनको रिसीव नहीं हुआ है, तो इसको इस तरह एक्सप्लेन किया हुआ है कि अल्फा एंड बीटा आर कॉम्प्लीमेंट्स बिकॉज ऑफ अ नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आगे अगर आप फर्दर बता देना इसको कि विच इंडिकेट्स दैट व्हेन द प्राइस ऑफ बीटा इंक्रीजेस डिमांड फॉर अल्फा डिक्रीजेस, तो इसी वजह से नेगेटिव साइन आ रहा है और इसी वजह से ये कॉम्प्लीमेंट्स हैं। द कोफिशिएंट इज ग्रेटर देन वन इंडिकेटिंग दे आर क्लोज कॉम्प्लीमेंट्स। इसी तरह आपने सब्सिट्यूट में बताया कि गैमा एंड डेल्टा आर सब्सिट्यूट बिकॉज ऑफ अ पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हिच इंडिकेट्स दैट व्हेन द प्राइस ऑफ डेल्टा इंक्रीजेस द डिमांड फॉर गामा इंक्रीजेस। ठीक है, द कोफिशिएंट इज लेस देन वन इंडिकेटिंग दे आर वीक सब्सिट्यूट्स। अच्छा, तो कोशिश मैं ये करूंगी कि जो नेक्स्ट क्लास है आपकी कल, मुझे शायद थोड़ा मुश्किल हो जाए क्योंकि आज भी मेरी यूनिवर्सिटी में क्लास है तो यहाँ से वहां जाना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, तो कल शायद मैं क्लास ना रखूं। बट अगर मैं सैटरडे की क्लास रखूंगी तो मैं 3 आवर्स की रखूंगी और मेरी उसमें कोशिश होगी, क्योंकि आपके पास अब कॉन्सेप्ट कौन सा रह गया, जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो आपका रहता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। और क्योंकि आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को पढ़ चुके हैं, उसकी डिग्रीज भी पढ़ चुके हैं, तो अब आप बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को पढ़ना। और जो लास्ट कॉन्सेप्ट है प्राइस इनस्टेबिलिटी, वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं है, हम करेंगे जरूर बट वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इंशाल्लाह एक ही क्लास में हम 3 घंटे की क्लास में चैप्टर 3 को एंड कर देंगे। तो क्लास तो वैसे आपकी जहां तक अब मुझे है कि आप लोगों की तकरीबन रेगुलर ही होगी, तो संडे को आप लोग तैयार रहें कि संडे को आप लोगों का चैप्टर 2 और 3 का क्विज है। ठीक है, संडे को कैसे, संडे को क्या डेट क्या है संडे को? मेरे ख्याल में मंडे ऑफ होगा आप लोगों का, अब मैं नहीं दूंगी लेकिन वैसे इंस्टीट्यूट की तरफ से मेरे ख्याल में मंडे आप लोगों को ऑफ मिलेगा क्योंकि रिजल्ट डे है ना आप लोगों का, तो रिजल्ट डे वाले दिन मेरे ख्याल में ऑफ मिलेगा, आप करवा लीजिएगा। ठीक, ऑनलाइन टेस्ट हो सकता है लेकिन जब आप क्लास फिजिकल ले रहे हैं तो ऑनलाइन टेस्ट क्यों देना है? हाँ, तो फिर मैं बता दूंगी ऑनलाइन कैसे देना है। ठीक है, चलो मैं क्लास एंड ऑफ कर रही हूँ।